हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सूजी से बनी हुई बहुत ही इजी और टेस्टी मिठाई। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम एक चम्मच घी ले लेंगे, इसे हल्का सा गर्म होने दें और इसके बाद इसमें आधा कप सूजी ऐड करें। यहाँ पर मैंने फाइन वाली सूजी ली है। इसे 5 मिनट तक हमें रोस्ट करना है, तो एकदम लो फ्लेम पर ही इसे रोस्ट करें। अगर आप देखेंगे तो इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं हुआ है। सूजी रोस्ट हो चुकी है, अब हम इसमें 1 कप दूध ऐड करेंगे। इसे भी लो फ्लेम पर पकाना है। थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो ये एकदम ड्राई हो चुका होगा। अब ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो इसे एक प्लेट में ट्रांसफर कर ले और ठंडा होने दे। अब हमें चाशनी तैयार करनी है, तो इसके लिए मैंने 1 कप शक्कर ली है और 1 ही कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अब इसे हाई फ्लेम पे हम पकाएंगे। चाशनी में उबाल आ गया है, तो अब हम गैस का फ्लेम लो कर देंगे और 1/2 चम्मच इलायची पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं ऑरेंज फूड कलर ऐड कर रही हूँ, इसे आप स्किप भी कर सकते हैं, ये सिर्फ अच्छा कलर लाने के लिए मैंने ऐड किया है। सूजी का डो भी ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 चम्मच मैदा ऐड करेंगे, 2 चम्मच मिल्क पाउडर डालें, 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर डालें और 2 चुटकी खाने का सोडा। अब इन सबको मिलाकर हमें एक स्मूथ डो तैयार करना है। अगर ये थोड़ा सा सूखा लगे तो इसमें आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। अगर ये हाथों में बहुत ज़्यादा चिपक रहा हो तो हाथों में थोड़ा सा घी लगा लें। तो ये हमारा एक स्मूथ डो तैयार हो गया है। अब इससे हम छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे और अब हमें इसे ऐसे रोल करना है हाथों से, कुकी टाइप का हम शेप देंगे और फिर टूथपिक से हम इसमें ऐसे डिज़ाइन डालेंगे। अब हमें इसे फ्राई करना है, तो ध्यान रहे जो ऑयल है वो मीडियम हॉट होना चाहिए और गैस का फ्लेम लो होना चाहिए। लो फ्लेम पर ही हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। अब इसे एक टिश्यू पेपर में निकाल लें और उसके बाद हम इसे चाशनी में डिप करेंगे। ध्यान रखें चाशनी भी थोड़ी गर्म होनी चाहिए। अब हम इन्हें 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और फिर पलट कर वापस से चाशनी में डिप करके रखेंगे अगले 15 मिनट के लिए। तो ये हमारी बहुत ही इजी रसभरी बनकर तैयार है।